हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का चंद्रमा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने दो वीडियो डाली हैं SST की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, उससे कुछ आपका बेनिफिट हुआ होगा। थोड़ा सा भी अगर आपको मेरा किया गया काम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। तो अब शुरू करते हैं आज हम। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, वो है हमारा पृथ्वी के आसपास का केवल एक ही भाग है जो उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही भाग उपग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। जो हमारा चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा पृथ्वी से बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। जो हमारे और भी खगोलीय पिंड हैं उनसे ये थोड़ा बड़ा, उनसे ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ये हमें पास दिखाई देता है। बाकी पिंड हमें इतने पास नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 384,000 किलोमीटर दूर है। अगर हमारा ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो हम बताएंगे 384,400 किलोमीटर दूर है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 27 दिन में पूरा करता है उस चक्कर को। अगर हमसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, ये कितना टाइम लगता है, तो हमें इसका आंसर देना है 27 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट है, लगभग 27 दिन में ही चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। जो छोटे पिंड होते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच घूमते हैं। क्वेश्चन पूछ आ जाता है हमारे पास कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो ये हमारे मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो हम उसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे क्षुद्र ग्रह वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रह के भी भाग से होते हैं, जो बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट कर अलग हो जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे उल्का पिंड कभी कभी पृथ्वी से इतना नज़दीक आ जाते हैं और उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। मतलब वो इतना ऐसा लगता है कि जैसे अभी पृथ्वी पर गिरने वाले हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर वो जल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उल्का पिंड जो पृथ्वी के नज़दीक आकर वायु में घर्षण होने के कारण गर्म होकर जलकर गिर जाते हैं, फलस्वरूप एक चमत्कार प्रकाश उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के नज़दीक वायु में घर्षण करके जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं। कभी कभी होता है कि वो जल जाते हैं और कभी कभी नहीं भी जलते हैं, तो वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल में गड्ढे बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। सौरमंडल हमारा क्या है, ये हमारी आकाशगंगा जिसे मिल्की वे कहते हैं उसी का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश के प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों या गैसों की ही एक प्रणाली है। अगर कोई पूछता है आकाश गंगा कैसे बना है, तो हमें यही बताना है कि करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक ये प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। कैसे बनता है हमारा ब्रह्मांड, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना कठिन है। अभी वैज्ञानिक
इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हम ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है, जहाँ हम रह रहे हैं एक ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बृहस्पति शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से की बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये हमें ऐसे सिंपल आँख से देखेंगे तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो बहुत अच्छी क्वालिटी की या जो हमारे वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं उन दूरबीनों से हम देखेंगे तो ये हमें दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। जो हमारे प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख प्रति किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। इतनी तेज़ गति होने के बाद भी हमारे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आते आते धरती पर आते आते 8 मिनट का टाइम लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नील आर्मस्ट्रांग हमारे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। और उसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि जियोलॉजी का क्या मतलब होता है। जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, और ज्योमेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का मापन करना, और जियोइड का इसका मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये जो तीनों शब्द हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, ये हमारी किसी दूसरी भाषा से लिए गए हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।